नमस्कार, वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी में मां के सामने बेटे की मौत। रेवाड़ी के गांव शाहबाजपुर माखरिया बस स्टैंड के पास एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां को भी चोटें आई हैं। रामपुरा थाना पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला खासापुरा निवासी शारदा और उसका बेटा महेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 34 साल है, स्कूटी से घर की तरफ आ रहे थे। महेंद्र स्कूटी चला रहा था, तभी गांव शाहबाजपुर माखरिया बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मां बेटी दूर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हुए। गंभीर रूप से घायल महेंद्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन हादसे के वक्त लोगों ने उसके ट्रैक्टर का नंबर नोट कर लिया था। सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आगे खबर की बात करेंगे तो रेवाड़ी में 15 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। देखिए, 12 दिन पहले भी एक पोटाशी जान जा चुकी थी, हमने पूरी खबर बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। रेवाड़ी में पुलिस टीम ने बाजार में पोटाश व गंधक बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15 किलोग्राम से ज़्यादा पोटाश गंधक बरामद किया गया है। आरोपी दुकानदार के खिलाफ सिटी पुलिस ने FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सिटी पुलिस को सूचना मिली थी कि नरेंद्र लाल मुरारी लाल के नाम से सदर बाजार में खुली परचून की दुकान पर पोटाश बेचा जा रहा है। पोटाश पटाखों का धमाका करने में यूज होता है। सूचना के बाद पुलिस ने एक बोगस ग्राहक तैयार कर परचून की दुकान पर भेजा। दुकानदार ने 100 रुपये में इस पाउच पोटाश व गंधक ग्राहक को दे दिया। इस बीच पुलिस ने रेड कर लिया और उसे गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना ना भूलें। धन्यवाद।